हेलो गाइस, स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। फ्रेंड, क्या आपके पास रेडमी, एमआई, पोको, शाओमी का कोई भी फोन यूज करते हो और वो फोन में आपने स्क्रीन लॉक लगाया है और वो स्क्रीन लॉक आप भूल गए हो या अभी भूल चुके हो और इसलिए मेरे वीडियो पे आए हो? तो इसे कैसे अनलॉक किया जाता है, कैसे रिकवर डाटा किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। क्योंकि एक बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, यूपी से है, कोई विशाल या मिथिलेश नाम का है। वो फोन में, अपने फोन में एमआई का फोन था, वो फोन में लॉक लगाकर पासवर्ड भूल गया। बोल रहा है भैया वो फोन कैसे अनलॉक होगा, वो भी बिना डाटा डिलीट किए हुए। अगर फोन अनलॉक नहीं होगा, अगर डाटा डिलीट हो जाएगा तो मेरे पापा बहुत मारेंगे। तो फ्रेंड, मैं इस बंदे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो बंदे के पास पहुंच जाए तो अपने बाप से भी बच सके। नहीं तो आप कभी भी सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग दुकान का चक्कर काट के रह जाओगे। वहां पे आपको टाइम देगा, आपसे पैसा लेगा और आपका डाटा भी डिलीट कर देगा और कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो ये वीडियो को थोड़ा सा समय दो, वक्त दो, 2 या 3 मिनट के अंदर अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। अभी कैसे करते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए फिर मैं बिना देर किए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन होगा, इसे क्लिक के बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो कैसे करते हैं फोन, रेडमी, एमआई, पोको या शाओमी का फोन को लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं, मैं आज इस बात पर चर्चा करने वाला हूं। नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, पहले अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ करने के बाद ऑन कीजिएगा, ठीक है ना। ये इतना काम करने के बाद एंड देन अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे फोन में सिम कार्ड निकला हुआ है। ये काम करने के बाद आप आओगे लॉक स्क्रीन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली हमें इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमरजेंसी कॉल पे आने के बाद हमें सर्विस सेंटर से जुड़ने के लिए एक कोड एक्टिवेट करना होगा जिससे हमें सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे मैं कोड डायल कर देता हूँ और अपने फोन में सब आराम से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कोड को ध्यान से लिखना या कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने फोन में नोट कर लीजिए ध्यान से फ्रेंड, ताकि कोई भी एक अंक आपका छूटना नहीं चाहिए। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक्टिवेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये कॉल वाला जो ऑप्शन देख रहे हो इसे कॉल कीजिएगा। आपके फोन में जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसे इग्नोर करके हमें ओके कर देना है। एंड देन ये कोड को इरेज कर लेना और हमारा सबसे स्पेशल कोड है मास्टर अनलॉकिंग कोड, जो कि इस अप्रैल महीने का है, ठीक है ना। स्टार हैज 813 एंड लास्ट में आप हैज लगाते ही समय आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, वो भी बिना डाटा डिलीट किए हुए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन ही प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।